गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2। हमारे पास 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना लिए। हमें x की वैल्यू निकालने, हमारे पास सारे के सारे वो एक्सटर्नल एंगल्स दिए हैं, हमें x निकालना है। हमारे पास कंडीशन होती है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स। जब एक्सटर्नल एंगल का सम करते हैं तो हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था पिछले वाले एक्सरसाइज में, वो भी 360 के बराबर होता था। तो हमने सारे एंगल दिए, हमने दोनों एंगल राइट किए, प्लस एक्स लिखा, 250 आया, उसको सब्सट्रैक्ट किया, 110 आ गया। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इसी का सेकंड पार्ट है। दोबारा से हम सेम यही करेंगे। हमने अब डायग्राम बना लिए, हमारे पास एंगल है 60 70, x ये वाला 90 है और ये वाला 90 है। हमने सम ऑफ मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल लिखा, सारे के सारे लिखिए, 90 यहां से आया, 60 90 70 और 360, तो सब्सट्रैक्ट किया, ये 310, ये 360 310। जो लिखा है वो लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल टू रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड। तो हमें एंगल निकालना है सभी के, तो फर्स्ट जो पार्ट है मेरे पास 9 साइड थी। तो हमारे पास क्वेश्चन में रहता है कि किसी पॉलीगन के 9 साइड है, तो एक्सटर्नल निकालने के लिए और द एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल, तो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल जो रहते हैं वो इक्वल होंगे हमेशा 360। दाईं साइड है तो x लिखा, 360 से डिवाइड किया, कट गया 40 डिग्री। हमारे पास x की 40 डिग्री आ गया। दाईं साइड है, अगर एक एंगल 40 डिग्री का है, बाकी के सारे एंगल सेम वैसे होगा, तो आंसर आ जाएगा 40। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। आप मेजर निकाल रहे हैं, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, तो दोबारा से 180 से माइनस करेंगे 40, तो आ जाएगा 140 डिग्री। इसका आंसर है। और जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन दोबारा से, तो सेम है, उसमें नहीं है, हमारे पास 15 साइड है, तो सेम वही करेंगे, 15 राइट करेंगे, 15 x = 360, एक्स इक्वल टू 360 ओवर 15 केवल है, 24 दिया, तो 180 से 24 दोबारा सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 6 7 10 5 1 156। अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर थ्री में लिखा है हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। अब एक्सटीरियर एंगल ही पहले हमारे पास 24 दिया था, जो हमने निकाला था पीछे वाले क्वेश्चन में, हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला, तो अब हमारे पास उसका मेजर ही क्या लिया है 24। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, टोटल मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो टोटल जो एक्सटीरियर रहता है एंगल का वो 360 है, ईच एंगल दिया है, ईच That is 24। और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है, उसमें बोला है निकालने के हाउ मेनी साइड, हमें साइड निकालनी है, तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितने थे वो लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल तो आ जाएगा 360 ओवर 24। तो अभी सॉल्व किया हमने, 15 आता है, तो 15
साइन होंगे उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो रहता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से यही लिखा है, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव, इंटीरियर एंगल इज 65, तो मेजर ऑफ ईच, मेजर ऑफ ईच एंगल दिया 165, तो हमने अब एक्सटीरियर निकालना है, एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर दिया था तो 180 माइनस 165 करेंगे तो आ गया 15 डिग्री, 15 डिग्री आया, तो टोटल रहता है हमारे पास, टोटल सबको पता है 360 डिग्री। क्वेश्चन में अब बोला क्या है उसने कि हमें जो नंबर ऑफ साइड्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ साइड्स के लिए नंबर ऑफ साइड 360 ओवर 15 डिग्री, तो दोबारा से 24, दोबारा से 24। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। हमारे पास जस्ट दो क्वेश्चन हैं, वो सिंपल से हैं, वो ऐसे ही पढ़ेंगे हम, उनको करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें लिखा है इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर बॉडी विद द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 22, तो नो होगा, अगर 2 होगा तो कोई भी आंसर नहीं आएगा 22 का। वैसे नेक्स्ट है तो लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल टू मेजर रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन के लिए हमारे पास 60 डिग्री रहता है, इसकी 3 साइड्स। ओके, थैंक यू।